इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से अब आपको दिखाएंगे। क्या करते हैं पब्लिक को कैसा बांटते हैं कि हमारा क्षेत्र नहीं है, ये जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो उसकी जांच और उसका परीक्षण करते हैं। इसके बाद में आ जाता है जो फूड डिपार्टमेंट, इनका काम है राशन कार्ड बनाना, आवंटन जारी करना और दुकानों का निरस्त करना और दुकानें बनाना, दुकान तैयार करना, जैसे चाहे तो वो ग्राम पंचायत में दे, महिला स्व सहायता समूह में दे, ये फूड का काम है। लेकिन ये जो कुछ भी जो घोटाला हुआ वो सारा का सारा घोटाला ये कह दिया गया कि नान का 36,000 करोड़ का घोटाला है। इसमें मैं ये निवेदन करूंगा कि नान का तो इतना बजट ही नहीं था, राज्य का इतना बजट नहीं था जो बताया गया। घोटाला दूसरा था और उसको सारा का सारा नान पे डाल दिया गया। अब घोटाले में मैं आना चाहूंगा सिलसिलेवार जो वास्तविक स्थिति है। हमारे पास 9,35,000 टन के हमारे पास चावल का स्टॉक भरा हुआ था, हमें जरूरत नहीं थी। यदि आपके पास 6 महीने का अनाज रहेगा तो आप जबरदस्ती उसको क्यों लेना चाहेंगे? सारे गाँव का मेरे पास वो आंकड़े हैं जो मैंने सूचना का अधिकार में भी लिए और जो हमारे चार्जशीट में भी है। ये पत्र है 19 अगस्त 2014, इस पे यह प्रस्ताव दिया गया था कि नान अतिरिक्त चावल को उपार्जन करे। हमारा प्रस्ताव गया था 7,88,000 टन का। ये पूरा इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे फिगर बने हुए हैं कि किस किस जिले में क्या होगा। और ये जो चार्ट है ये 19 अगस्त का है। 19 अगस्त को 9,35,000 टन हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था, सारे गोडाउन भरे थे, फिर भी हम पे दबाव आया कि नहीं आपको 10,00,000 टन चावल एक्स्ट्रा लेना है, आप कहीं भी रखिए हमको मतलब नहीं। हमने फिर ये निर्देश दिए कि जो प्राइवेट गोडाउन मिले जैसा भी मिले वो रख लो। ये 10,00,000 टन एक्स्ट्रा लेने के पीछे इनकी मंशा यही रही कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चावल भरते बने गोडाउन में भर दो। जबकि अगस्त महीने के बाद में अक्टूबर नवंबर में नया सीजन आने वाला था, तो जब नया सीजन आ रहा है और हमारे पास 6 महीने का स्टॉक है तो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आप क्यों डाल रहे हैं? भारत सरकार में आपके लोग बैठे हैं, भाजपा गवर्नमेंट थी, राज्य में आपकी गवर्नमेंट थी, आप पहल करके भारत सरकार पे दबाव बनाते कि ये सारा चावल जो है वो FCI ले। राज्य सरकार भारत सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है, हम FCI के एजेंट के रूप में धान की खरीदी करते हैं, नान का काम नहीं है। मार्केट जो खरीदी करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रूप में, तो हमने यदि उनके लिए धान खरीदा है तो वो धान को अपना ले जाए, चाहे चावल के रूप में ले जाए या धान के रूप में, उसको ऑप्शन कर सकते थे। पहले भी 2,50,000 टन का ऑप्शन हुआ राज्य में, पहले भी FCI ने धान लिया। तो 2014 में ऐसी क्या स्थिति बन गई जो जबरदस्ती नान के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप 10,00,000 टन लो। और 234 करोड़ की क्षतिपूर्ति हमको कहा गया कि हमने कहा हमको लॉस होगा। लाभ कैसे होगा? तो हमने बताया कि जो चावल खरीदेंगे उसका ब्याज लगेगा, बैंक का पैसा लगेगा, स्टोरेज चार्जेस लगेगा, वेयरहाउसिंग को पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा, कस्टडी मेंटेनेंस लगेगा, उसमें ड्राई जाएगी, वो डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए, इसमें सारे में हमें लॉसेस होगा, हम ये लॉस बियर नहीं कर सकते। लेकिन हमको दबावपूर्वक 10,00,000 टन के आदेश भी और बोले हम शासन उसकी क्षतिपूर्ति करेगी 2,00,236 करोड़ रुपये की। हमने कहा ठीक है, जब शासन करे तो हमारी मजबूरी है, शासन से हट के हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हम शासन की एजेंसी हैं। तो वो 10,00,000 टन हमको जबरदस्ती खरीदी करना पड़ा। एक ये एपिसोड हुआ। दूसरा मुद्दा आया राशन कार्ड का। पंचायत विभाग का जो सर्वे कहते हैं राज्य सरकार का कि 51,00,000 परिवार हैं। अब 51,00,000 परिवार यदि 2013 में है तो 72,00,000 राशन कार्ड कैसे बने? 72,00,000 राशन कार्ड इनने सितंबर 2013 चुनाव के ठीक पहले, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बना दिए। हमने कहा ये ठीक है, आपने राशन कार्ड बना दिए, 72,00,000 बन गया, 21,00,000 राशन कार्ड ज्यादा बन गया, हम इसमें अनाज की प्रतिपूर्ति रातों रात तो नहीं कर सकते। हमारी अपनी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, गोडाउन की व्यवस्था है, राशन दुकान में उतनी जगह भी होनी चाहिए, हम ये नवंबर चुनाव के बाद में इसकी सप्लाई करेंगे। लेकिन सरकार उसमें नहीं मानी, बोले हम राशन कार्ड बनाए किस लिए हैं? हमको चुनाव के पहले ये सारा राशन बांटना है, राशन दुकानों में जगह नहीं। बोले आप स्कूलों में रखिए, सांस्कृतिक भवन में रखिए, पंचायत भवन में रखिए, जहां आपकी मर्जी हो वहां ले जाके स्टोर करिए। तो इस तरह अक्टूबर 2013 नवंबर 2013 में ये सारा अनाज
जगह 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 स्टोर होते रहे। गांव में छोटे छोटे गांव में यदि एक मकान है दो दरवाजे हैं उसमें दो और दरवाजे निकाल के तीन तीन चार चार राशन कार्ड बना दिए गए। जितनी परिवार है उससे कहीं ज्यादा राशन कार्ड बन गया, 72 लाख राशन कार्ड बने। अलाटमेंट 2.25 गुना हो गया। जो चावल हम यदि 1,20,000 टन बांटते थे वो हमको 70,000 टन चावल, बाकी गेहूं, शक्कर, नमक, दाल, ये सारा सबका अलाटमेंट बढ़ गया अकॉर्डिंगली जैसे जैसे राशन कार्ड बढ़ा। इतना हमारे ऊपर प्रेशर आया कि रातों रात इन चीजों को सप्लाई करो। हमने ये कहा कि वो पब्लिक को तो पता ही नहीं और ये राशन जाएगा कहाँ, लेकिन हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। बोले दबाव इतना पड़ा कि बोले आप लोग को नौकरी करना है कि नहीं करना है, मजबूरी में हम लोगों ने वो सप्लाई किया। इसके बाद भी हम लोगों ने आवाज उठाया कि वो सही राशन तो पब्लिक को जा नहीं रहा है, ये फर्जी राशन कार्ड है। क्वेश्चन आए विधानसभा में तो माननीय पुन्नूलाल बोबड़े जी मुख्यमंत्री महोदय बोले हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि 12 लाख राशन कार्ड फर्जी है। चुनाव के बाद की स्थिति, चुनाव के बाद उन्हें एडमिट किया कि 12 लाख राशन कार्ड फर्जी है। हमने दावा किया 12 नहीं, आपका 20-21 जितने बनाए हैं सारे फर्जी हैं। बोले वो 12 लाख को हम निरस्त करने वाले हैं। फिर चलता रहा लेकिन कोई निरस्त नहीं हुए। आवंटन डायरेक्टर फूड से जारी होता रहा। डायरेक्टर फूड का जो आवंटन है उसको ओवे करने की जिम्मेदारी नान की रहती है, क्योंकि सारे कलेक्टर हम पे दबाव बनाते हैं कि जो आवंटन आए हैं आपको क्या करना, वो चावल गेहूं नमक शक्कर आप सप्लाई करो। लोकसभा चुनाव आ गया मई 2014। बोले अभी हम राशन कार्ड निरस्त नहीं करेंगे, आप लोकसभा के बाद देखा जाएगा उसका। ये राशन बढ़ता रहा। अब इसमें बात आती है कि 266 करोड़ पर मंथ का, देखिए एक परिवार को एक राशन कार्ड में 35 किलो चावल मिलता है, उसका मिनिमम यदि 30 रुपए भी हम माने, 1,050 रुपए का एक राशन कार्ड में एक परिवार को चावल की कीमत हो जाती है। 450 ग्राम शक्कर मिलता है, 22 रुपए उसकी कीमत है। नमक 2 किलो फ्री में मिलता है, 14 रुपए उसकी कीमत है। चना या दाल, ट्राइबल एरिया में चना, अर्बन एरिया में दाल उस समय बचता था, 2 किलो का 120 रुपए। मिट्टी तेल आपका 3 लीटर 60 रुपए। गैस का मैंने नहीं जोड़ा है, 1,266 रुपए, लगभग 1,300 रुपए शॉर्टली एक राशन कार्ड में इसका एक महीने में वितरित होता है। इसको हम यदि मल्टीप्लाई करें 21 लाख से तो 266 करोड़ एक साल में होता है, साल भर में 3,000 करोड़ हो जाता है। ये राशन गया कहाँ? जब आपने कहा कि राशन कार्ड फर्जी है, नान से तो आपने ले लिया, आपने उसको दुकानों में पहुंचा दिया, फिर दुकानों से कहाँ गया राशन? तो ये नान का घोटाला कहाँ हुआ? ये तो राशन घोटाला हुआ, राशन दुकान का हुआ। उसके बाद में थोड़े थोड़े राशन कार्ड निरस्त करना चालू किए। कलेक्टरों पे आदेश दिया गया कि राशन कार्ड निरस्त करके अवगत कराएं। सारे कलेक्टर 27 जिले के उनने राशन कार्ड निरस्त कर करके डायरेक्टेड फूड में इंफॉर्मेशन भेजा बाई पोस्ट बाई मेल। अब यदि 12 लाख उनने निरस्तीकरण के या जितने भी निरस्तीकरण के भेजे तो राशन कार्ड निरस्त होने के बाद क्या राशन दुकान पे कार्रवाई हुई, क्या पुलिस इंस्पेक्टर पे कार्रवाई हुई, या जिनने राशन कार्ड फर्जी बनाया तो उन पे कार्रवाई हुई? कोई जांच नहीं हुई। वो राशन कहाँ गया उसकी कोई जांच नहीं हुई। इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। तीसरा हम आते हैं जो मारपीट का है। शुरू से जब से राज्य बना है ये नियम हुआ है कि जब भी धान की खरीदी होगी और कस्टम मिलिंग होगा तो राइस मिलर सपोज उसको 1500 क्विंटल धान लेना है मिलिंग के लिए तो वो 1000 क्विंटल चावल जमा करेगा एडवांस, उसकी वैल्यू। तो आप रायपुर से देख रहे थे नाम।